नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया, जहां अस्पताल के कई विभागों का पैदल ही भ्रमण कर उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद डॉक्टर्स को कई सुधार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही CMS ऑफिस पहुंचकर उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर भी चेक किए। अलीगढ़ में शनिवार दोपहर जनपद के प्रभारी मंत्री और गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजना स्कूल चलो अभियान को सुचारू बनाया जाए। साथ ही बिजली आपूर्ति, कानून व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की। शिक्षा में कहा गया है स्कूल चलो अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। गायों के रख रखाव के लिए कहा गया है और गौशालाएं बनाने के लिए प्रस्ताव भेजें। कहा गया है कि गांवों में और शहर में सफाई की पूरी तरह से व्यवस्था हो। जितने भी सामुदायिक शौचालय बने हैं उनको ठीक तरह से एक्टिवेट किया जाए। कानून व्यवस्था में प्रत्येक आदमी को न्याय मिलना चाहिए। विशेष तौर से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ किसी भी गुंडे मवाली से नहीं होनी चाहिए। उनको पूरा न्याय मिले। इस समय भयंकर गर्मी का समय है। पेयजल उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए जितने भी हमारे हैंडपंप हैं या ट्यूबवेल है, जहां कहीं रीबोरिंग की जरूरत है उन सब का रीबोरिंग कराया जाए। हरिद्वार में लगातार रुड़की विकास प्राधिकरण अपने बुलडोजर चलाकर सील की प्रक्रिया जारी रख रहा है, जिससे भूमाफियाओं में खलबली मच गई है। सुमन नगर क्षेत्र में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने 6 कॉलोनियों को सील कर दिया है। अवैध कॉलोनियों पर HRDA द्वारा लगातार की जा रही सीलिंग की कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 30 अप्रैल 2022 को HRDA की टीम द्वारा सचिव HRDA श्री उत्तम सिंह चौहान जी के सील द्वारा पारित सील आदेश के अनुपालन में 6 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया गया है। कानपुर के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद कल कानपुर जनपद के भ्रमण पर रहे, जहां उन्होंने कानपुर के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल बैठक करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा लगातार प्रभारी मंत्रियों को आदेश दिए गए हैं कि वो सभी अपने अपने जनपदों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करें। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को पात्रों तक पहुँचाया जाए। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है उसके तहत सभी मंत्रीगण अगले 15 तारीख तक विभिन्न जनपदों पर जाकर सभी विकास कार्यों की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से भेंट, कार्यकर्ताओं से संवाद, जनता के बीच में जाके भौतिक स्थिति की समीक्षा। तो आज हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे दूसरे मंत्रिमंडल के साथी मैंकेश्वर सिंह जी, हम तीनों लोग यहाँ कानपुर जनपद में आए हैं। और आज तो कानपुर के महानगर की समीक्षा होगी, मगर आने वाले समय में जो मंडल में सभी जनपद हैं। नैनीताल के हल्द्वानी नगर निगम सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट, महापौर जोगेंद्र सिंह रौतेला और आयुक्त कुमाऊ दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीलीभीत में हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की मंशा को पूरा करते हुए पीलीभीत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का काम शुरू कर दिया है। पीलीभीत में 650 से ज़्यादा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को नोटिस जारी किया गया है,
जिसमें ये कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि कम की जाए और जहां पर 4 या 5 लाउडस्पीकर लगे हैं उनकी संख्या को घटाया जाए। अलीगढ़ में बच्चों को अगवा कर दिल्ली में बेचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मासूम बच्चों को भी 2 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया है। घटना थाना टंपल के बजौता इलाके की है। कल लगभग रात में 12 बजे के आसपास थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बालक जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष है उनका अपहरण कर लिया गया है और रंजिश की बात सामने आई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों की बरामदगी भी कर ली है और अपहरण करने वाले युवकों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर में जिलाधिकारी और SP सिटी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैरक, भोजनालय, हॉस्पिटल आदि का निरीक्षण किया गया। वहीं कारागार में निरुद्ध बंदियों की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बागपत में चोरी के हीरे खरीदने और बेचने का मामला सामने आया है, जहां मुंबई पुलिस ने रेड मारकर बड़ौद के एक सराफा व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सराफा व्यापारी से मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मेरठ में असम पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए गौ तस्कर अकबर बंजारा की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि 300 गज में बन रहा अवैध कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।